दोस्तों आज की कहानी है, अरे सासू माँ आज तो आपने मेरा काम कर लिया। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। कल तो विजयदशमी की छुट्टी है, कल मैं तो भाई आराम से सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। आजकल ऑफिस की कुर्सी पर बैठने की बजाय बिस्तर पर आराम करूंगी। सफाई भी करनी है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही निपटा लूंगी, काम थोड़ा कल और थोड़ा आज, बाद में ही जो छुट्टियां होगी आराम और ना कोई संडे ही अपने हिस्से में आता है, परिया ने निया से कहा। और अगले दिन निया जा छुट्टी का फायदा उठाती सुबह फुर्सत से सो रही थी, वहीं परिया घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। परिया के बॉस का फोन आया, मैडम काम बहुत ज्यादा है ना आजकल ऑफिस में, तो उस अधिकारी का ऑर्डर है कि स्टाफ को जल्दी से जल्दी ऑफिस बुला लो, इस छुट्टी का एडजस्टमेंट कभी किसी और दिन ना कर देंगे स्टाफ के लिए। अपने बॉस से ज्यादा जब परिया ने ये सुना तो तुरंत ही निया को कॉल किया, छुट्टी कैंसिल हो गई, जल्दी से ऑफिस पहुंचो बेबी जी। उधर परिया खुद कसम कसम में फंसी गई, ना झाड़ू ही लगा ना पोसा और ना बर्तन ही, सिर्फ खिड़की दरवाजे की डस्टिंग ही हो पाई थी कि बॉस का ऑफिस से ना जाने क्या ऑर्डर अब तो सासू माँ सिड़ ही जाएगी। खैर छोड़ो ऑफिस ही तो जा रही हूँ, कोई घूमने थोड़ी जा रही हूँ, घर आकर सारा काम कर लूंगी, यह कहकर परिया निकल लेती हूँ। ये ख्याल कर परिया जल्दी से तैयार हुई और ऑफिस जाने लगी। सास को ये कहते हुए कि ऑफिस से आकर सब काम हो जाएगा, सारे काम के बारे में बोलकर ऑफिस तो पहुंच गई थी परिया, मगर आज घर जाकर ढेरों काम करने हैं और सास का मूड भी ऑन होगा या ऑफ कुछ नहीं कहा जा सकता, यही सोचकर वह तनाव महसूस कर रही थी ऑफिस से। छुट्टी हुई तो परिया घर के अंदर दाखिल हुई तो मन में सास के प्रति प्यार और सम्मान के भाव जागने लगे, कमाल है। मम्मी जी ने तो सब निपटा दिया काम, मैं तो बेवजह ही टेंशन में थी, सोचा ना था सास ऐसी भी हो सकती है, ये महसूस हो रहा था परिया के दिल को। मम्मी जी मैंने कहा तो था कि आकर सब कर लूंगी काम सारा, फिर आपने क्यों किया, परिया ने अपनी सास से कहा। तो फिर सास बोली, सास हूँ तो क्या हुआ, बहू की जिंदगी के रास्ते में आए बबूल को साट कर दूर नहीं कर सकती मैं, बेशक सास हूँ मगर बहू की जिंदगी में बबूल बोने के लिए ही पैसा नहीं जाऊँ, ऐसा मेरा कोई अरमान नहीं है बहू। परिया की सास बोली, परिया सास के इन आदर्श रूप विचारों से दर्वित हो गई और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसको मायके की तरह ही ससुराल में भी माँ की परसाई मिल गई है आज परिया को। तो दोस्तों कहानी से हम यही कहना चाहेंगे, जैसे परिया की सास ने परिया का काम किया वैसे भी हमें करना चाहिए, और आज भी कई औरतें अपनी बहुओं का काम भी करती हैं मगर कई अपनी बहुओं का काम भी बिगाड़ती हैं। ऐसी ही औरतों के कारण आज सास नाम के शब्द को बदनामी मिलती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।